नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा बिष्ट और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। ले चलते हैं बॉलीवुड के कुछ अपडेट की तरफ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल एक बार फिर मां बनने जा रही हैं। इस मौके पर ईशा के रिलेटिव्स और करीबी दोस्तों ने मिलकर उनके लिए बेबी शावर भी रखा, जहां ईशा और उनके हस्बैंड भरत पिंक आउटफिट में दिखे, वहीं बाकी सब गेस्ट ने व्हाइट ड्रेसेस पहने थे। साथ ही इस थीम पार्टी में ईशा की बेटी राध्या भी नजर आई। ईशा और भरत की शादी जून 2012 में हुई, जिसके 5 साल बाद अक्टूबर 2017 में उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम राध्या तख्तानी रखा गया। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने अपने बेटे सिद्धार्थ की शादी टूटने का रीजन एक इंटरव्यू में बताया। मधु चोपड़ा ने बताया कि सिद्धार्थ शादी के लिए तैयार नहीं है और वह समय चाहता है। उन्होंने आपसी सहमति से सब कुछ खत्म किया है। हालांकि इससे पहले भी सिद्धार्थ और उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड कनिका माथुर की शादी भी इन्हीं रीजंस की वजह से टूटी थी। राजस्थान जयपुर के नानक राम ने अपनी फेवरेट एक्टर अजय देवगन को टोबैको प्रोडक्ट का प्रमोशन ना करने की पब्लिक अपील की। दरअसल 40 साल की उम्र के नानक राम मीना को एक मेडिकल चेकअप के दौरान पता लगा कि जिस टोबैको ब्रांड का अजय देवगन ऐड करते हैं, उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन की वजह से उनको कैंसर हो चुका है, जिसके बाद उन्हें लगा कि इतने बड़े स्टार को इस तरह के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। इसके बाद कैंसर पीड़ित नानक राम ने अजय देवगन को एड्रेस करते हुए करीब 1000 पैम्फलेट्स जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बंटवाए और दीवारों में लगवाए। पैम्फलेट में बताया गया कि किस तरह टोबैको कंजम्पशन से उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। कैंसर पीड़ित नानक राम 2 बच्चों के पिता हैं। बीमारी से पहले वो चाय की दुकान चलाया करते थे, लेकिन अब बोल ना पाने की वजह से जयपुर के सांगानेर कस्बे में घरों में दूध बेचने का काम करते हैं। नेशनल अवार्ड जीते अक्षय कुमार की कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड राइटर अपूर्व असरानी ने भी ट्वीट किया कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या कैनेडियन सिटीजन्स भी इंडियन नेशनल अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसी के साथ अपूर्व असरानी की कहानी अलीगढ़ भी सेम अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। हालांकि फिल्म मेकर राहुल ढोलकिया ने अक्षय के सपोर्ट में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के रूल्स का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसके मुताबिक फॉरेन ओरिजिन के लोगों को भी इस अवार्ड में सम्मानित किया जा सकता है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में बने हुए हैं, जिनसे अक्षय आजकल बचते हुए नजर आते हैं। पेपराजी को अपने फेवरेट तैमूर अली खान की फोटोज लेने में अब परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि करीना और सैफ अली खान के नेबर्स ने पेपराजी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अब पेपराजी को तैमूर के फोटोज देने के लिए करीना और सैफ के रेजिडेंट के बाहर खड़े होने की परमिशन नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मीडिया के एक सेक्शन को ये लगा कि पुलिस से पेपराजी की कंप्लेंट सैफ अली खान ने करवाई। इसके बाद सैफ ने बताया कि कंप्लेंट उनके एक कंसर्न नेबर ने की, जो तैमूर का लगातार पीछा किए जाने से परेशान थे। सैफ ने ये भी कहा कि वो अपने नेबर्स को सपोर्ट करते हैं। तैमूर को लगातार स्टॉक करना एक अनएथिकल जर्नलिज्म में आता है। यहाँ तक कि सिर्फ सैफ अली खान ही नहीं, तैमूर के पूरे परिवार ने मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया ताकि वो तैमूर को स्टॉक ना करें। मीडिया की चमक से तैमूर का बचपन बर्बाद हो रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।